हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए CSS का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम क्लास सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लास सेलेक्टर को क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज में और कैसे हम अपने HTML के एलिमेंट्स पे क्लास सेलेक्टर को अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, क्लास सेलेक्टर को हम बेसिकली किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर को। तो क्लास सेलेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले डॉट का यूज करते हैं और उसके बाद क्लास का हम नेम मेंशन करते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ भी क्लास का नेम है हेलो, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। किसी भी आप नेम के आगे अगर आप डॉट लगाते हो तो वो एक क्लास बन जाती है। जैसे मैंने हेलो के आगे डॉट लगाया तो हमारी क्लास का नाम क्या है, हेलो। हम किसी भी एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट में उसकी अगर वैल्यू को हेलो लिखेंगे तो हमारे जो भी इसमें हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वो उस ब्लॉक पे अप्लाई हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका कलर ब्लू और इसका साइज लिख रहा हूँ सपोज 40 पिक्सल। तो ये मैंने इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी अपनी जो हेलो क्लास है। तो अब मैं क्या करूंगा, सपोज मैं इस पैराग्राफ टैग पे अकेले इस पैराग्राफ टैग पे ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो ये फर्स्ट वाला हमारा जो पैराग्राफ है सिर्फ इस पे ही ये वाले चेंजेस अप्लाई हो। तो मैं क्या करूंगा, इस टैग में क्लास एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, क्लास इज इक्वल टू, और इसमें क्लास का अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा हेलो। तो जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि जो ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा सिर्फ इस पे ही चेंजेस जो है हमारे अप्लाई होंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए कि इस पे इसका कलर तो ब्लू हो गया लेकिन इसका साइज नहीं चेंज हुआ क्या इसमें। हाँ, यहाँ पे फॉन्ट लिखना होगा, फॉन्ट साइज हमारा फॉन्ट का जो साइज है वो 40 पिक्सल हो जाए। तो ये देखिए इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। अब आप नोटिस करोगे कि सिर्फ हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पे ही ये अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं दूसरे पैराग्राफ पे इस पैराग्राफ में भी ये चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पे भी इसके जो चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए इसके भी चेंजेस हमारे अप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म करने के लिए। सपोज यहाँ पे मेरा कुछ और है, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं कोई लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, हमारी अनऑर्डर लिस्ट है सपोज की, ठीक है। यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग और इसके अंदर लिस्ट आइटम तो ऐसे मैं चार इसके एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कॉपी और ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ भी हो गया कोर्सेज है हमारे, सपोज BCA, ठीक है, MCA, यहाँ पे BTech हो गई और यहाँ पे तो इसको ये देखिए यहाँ पे हमारी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका इसके जो लिस्ट आइटम है उसका वो जो हेलो हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज है वो उस पर अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर यहाँ पे क्लास हमारी डिफाइन कर दूंगा हेलो। जब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इस पर ये सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। तो ऐसे हम अपने वेब पेज में क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे चेंजेस अप्लाई करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरे नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।